तू मातु पिता गुरु के चरण सादर शीश झुकाए, कृपा सिंधु प्रभु बुद्ध को बंदत ध्यान लगाए। जासु ज्ञान वल नाश हो जग के सकल विकार, नीत प्रीति करुणा बढ़े बढ़े सत्याचार। तो फूले ज्योति अम्बेडकर और स्वामी पेरियार, शरण आई राहुल किए ज्ञान प्रचार प्रसार। ऐ मेरे समाज के भाइयों, अपने वंशज में जन्मे ललाई सिंह यादव जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया, तो आइए जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के लिए अपना तन मन धन समर्पित किया था, उसी प्रकार हमारे आपके यादव कुल में जन्मे ललाई सिंह यादव जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया, समाज को नई रास्ता दिखाने का काम किया, आई आप लोगों के बीच में उन्हीं का इतिहास लेकर के चल रही हूं। तो जिला कानपुर में सुनो, कठारा है एक ग्राम, यादव वंश में रह रहे गज्जू सिंह थनाम। ललई सिंह यादव के पिता का नाम गज्जू सिंह यादव था, तो आइए विचार करते हैं कि ललई सिंह अवतारी थे जो यादव कुल में जन्मे थे। ललई सिंह अवतारी थे जो यादव कुल में जन्मे थे, उस वीर बहादुर के आगे ढोंगी पाखंडी हारे थे। हमारे आपके वंश में पैदा होने वाले ललई सिंह यादव हमारे आपके बीच में आकर के किस प्रकार से समाज को जगाने का काम किया, समाज के पीछे कष्ट सहे ना सुख पाया कहीं जीवन में, पत्नी पुत्री का त्याग किया परमाण मिले इतिहासन में। जिनका जन्म 1 सितंबर 1911 को ग्राम कठारा रेलवे स्टेशन झिंझक जिला कानपुर में हुआ था, इनके पिता गज्जू सिंह यादव और मैया मूला देवी
ये बहुत ही अच्छे और सच्चे व्यक्ति थे। कि गज्जो सिंह था नाम, सुनो दे ध्यान सभी नर नारी, और सुंदर सरल स्वभाव की मूला देवी थी सिंह यादव का जन्म हुआ है। धीरे 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 समय बीतता गया है। जब ललई सिंह यादव बड़े हुए हैं और पढ़ने के लायक हुए हैं तो क्या किया है, मां और पिता ने ललई सिंह यादव को शिक्षा के लिए प्रेरित करना और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए सदैव उनको आगे रखा और उन्हें सदैव शिक्षा ग्रहण के लिए प्रेरित करते रहे। लेकिन उस समय हमारे समाज में शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। कि उन दिनों समाज में शिक्षा पे लोगों का विधिवत ध्यान न था, और पहनन को सुंदर वस्त्र नहीं बैठन को उनको पलंगन था। विधिवत ध्यानन था,
संभाली रहे। जरा जरा सी आयु में नन्हे नन्हे से बालक खेती के चक्कर में पड़ जाते थे, खेती को अपने हाथों से करने में लग जाते थे। छोटी सी उम्र में खुद बच्चे खेती को अपनी संभाल रहे। इतना लई सिंह बच्चों के संग अपने स्कूल को जाई रहे। हमारे समाज में शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता था और सारे काम हाथों से किए जाते थे। खेतीबाड़ी के काम अपने हाथों से लोग करते थे मेरे भाइयों। लेकिन ललई सिंह यादव, उन्हें शिक्षा बहुत प्यारी थी, स्कूल को जाया करते थे। एक बार की बात, गांव में बहुत ही खुशी थी। और कैसी खुशी कि एक बार की बात, गांव में लहर खुशी की छाई रे। बात है, गांव में बहुत ही खुशियां थी, गांव के लोग बहुत ही उमंगी थे। अरे एक बार की बात, गांव में लहर खुशी की छाई रे। एक उच्च वर्ग के घर शादी की भई हती तैयारी रे। अब देखिए आज क्या हुआ है,
भागी पड़ी भेराई रे। चलियो मेरी बहनी बीच में गई अहिरनी शब्द सुने हैं क्या हुआ इतनी सुन के वो सब उड़ गए गवो बदन घूम लाई रे। कहा मेरो सम्मान आज मैं हिरनी रही बताई रे। भाइयों जैसे ही वो उच्च वर्ग की महिलाएं भाग खड़ी हुई और कहने लगी हैं चलो बहना आज हमारे आपके बीच में अहिरनी आई गई अहिरनी। इतना कह करके ज्यों ही वो महिलाएं चली गई आज मैया मूला देवी खड़ी की खड़ी रह गई। मन में सोचने लगी है कि सुनकर के रुखे बचन ये हो सौड़ी गए। सुनकर के रुखे बचन ये हो सौड़ी गए। चलते हुए थे हाथ बंद ये कदम हुए। कुड़िया बेल रही थी बैठी लेकिन ज्यों ही इतने वचन सुने हैं आज हाथ रुक गए उसी जगह पे। सुनकर के रुखे वचन ये होश उड़ी गए। चलते हुए थे हाथ बंद ये कदम हुए। जो उच्च वर्ग की नारियां उठी एक दम। इतना कहकर वहां से चली गई। चलते हुए थे हाथ बंद ये कदम हुए। मैया मूला देवी पूरी बेल रही थी ज्यों ही इतने वचन सुने हैं हाथ रुक गए। मन में सोचने लगी कि मेरा कोई सम्मान ही नहीं। उन्होंने मन में सोचा कि हमें नीच जात की काम करने वाली समझकर उच्च वर्ग की महिलाएं चली गई। उसी दिन मैया मूला देवी और गज्जू सिंह ने संकल्प लिया कि अपने पुत्र ललई सिंह यादव को जातिवाद भेदभाव पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मेरे भाइयों ज्यों ही ऐसा संकल्प लिया है धीरे 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 समय बीतता चला गया। कि विधि गति अपरंपार ध्यान दे सुनो सभी श्रोता। ललई सिंह के जीवन में अब आगे क्या होता। Oh, oh, oh.
भाइयों, मैया मूला देवी का अकस्मात देहांत हो जाता है। 1925 में जब इनकी मां खत्म हो गई तो मानो ललित सिंह यादव के जीवन में इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जिसकी बचपन में मां खत्म हो जाती है उसके दिल से पूछो कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। लेकिन उस समय हमारे आपके समाज में एक रीति थी, एक प्रथा थी। वो कैसी कि पत्नी अगर खत्म हो जाती थी तो उसकी चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती थी और पति दूसरी पत्नी घर लेकर के आ जाता था, मेरे भाइयों। लेकिन ललित सिंह यादव के पिता गज्जू सिंह यादव ने ऐसा नहीं किया। वो मन में सोचते थे कि अगर हम भी माता को लेकर के घर में आएंगे तो हमारे बेटे ललित सिंह के ऊपर वो अत्याचार करेगी, न जाने कैसे कैसे हमारे ललित सिंह को फटकारेगी, दुदकारेगी। इसीलिए गज्जू सिंह यादव ने दूसरी शादी नहीं की और जीवन भर विधुर रहने की मन में ठानी। क्या हुआ है कि अब धीरे धीरे समय गुजरी रहो भाई, मेरे भाइयों। ललित सिंह ने सन 1926 में हिंदी और सन 1928 में उर्दू लेकर मिडिल पास किया। मेरे भाइयों, माता पिता से मिले हुए अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छे अच्छे विचार, इसकी वजह से बहुत ही मन लगा करके पढ़ाई किया करते थे। और इतना ही नहीं, इनके संस्कारों से इनके पिता ही नहीं बल्कि स्कूल के मास्टर भी खुश रहा करते थे। मेरे भाइयों, इनकी रुचि तथा लगन और व्यवहार को सभी लोग बहुत प्रशंसा किया करते थे। वे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी विशेष रुचि लिया करते थे। लेकिन आगे क्या होता है, और प्रथम पुत्र सिंहिनी को जैसो मैया ने दव दूध पिलाई, और दिन दूने और रात सवाए बढ़ने लगे यदुवंशी लाल।
यादव से कहा, बेटा